ऊपर चढ़ना बड़ा लगता है। के चार रास्ता का नजारा है। बंद कर दीजो। आपको सबसे ये देखे ऊपर से नजारा दिखाते हैं ना। बराबर है, पावर रखनी है। जुड़ जाइए दोस्तों, ये चार रास्ता एक बार फटाफट जुड़ जाइए मेरे फेसबुक पेज पे। आपको लाइव दिखा रहे हैं ये चार रास्ता सांचौर की तस्वीरें, जहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचने वाला है भाजपा के पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी। यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनकी सांचौर की सीमा में एंट्री हो चुकी है, गुजरात से सांचौर की सीमा में दोनों नेताओं के काफिले की जो एंट्री है वो हो चुकी है। कुछ ही देर में चार रास्ता पर
स्वागत के लिए ये नजारा है, ये लोग पहुंचे हुए हैं स्वागत के लिए। स्वागत होगा आपको, पूरी तस्वीरें आप मेरे फेसबुक पेज पे देख पा रहे होंगे लाइव। इस तरीके का ये नजारा दिखा रहे हैं, ऊपर से ये नजारा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके का पूरा जो लोगों का पहुंचने का सिलसिला है वो हुआ है। दोनों नेताओं का इंतजार इन सभी को, कुछ ही देर में दोनों नेता पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि दोनों नेताओं का ये जो भीड़ है, ये लोग जो पहुंचे हैं, ये जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ये कार्यकर्ता दोनों नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद जैसे ही पहुंचेंगे भव्य स्वागत होगा। और क्या ऐलान होगा हर किसी को इंतजार है, क्योंकि सांचौर की राजनीति में हर कोई जानना चाह रहा है क्या कुछ होगा, क्या दोनों नेताओं का रिएक्शन होगा, क्या ऐलान होगा, क्या घोषणा करेंगे, क्या होगा रिएक्शन, हर कोई जानना चाह रहा है क्या ऐलान होगा, क्या करेंगे दोनों नेता, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोनों नेताओं में से कोई एक नेता, या कुछ और फैसला होगा। क्योंकि बार बार इतने दिनों से जब से भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है, सांसद देवजी पटेल को भाजपा ने टिकट दिया है, उसके बाद से ही दोनों नेता सांचौर से बाहर थे, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए जयपुर गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता एक हो गए हैं और एक होने की कई तस्वीरें भी देखने को मिली। आज दोनों नेता इस काफिले में साथ में हैं और ये जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं दोनों नेताओं के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। दोनों नेताओं का स्वागत ये कार्यकर्ता करेंगे, तो ये जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं स्वागत के लिए। ये स्वागत की चार रास्ता की तस्वीर है और कुछ ही देर बाद आपको स्वागत करते हुए ये जो कार्यकर्ता है वो नजर भी आएंगे। चार रास्ता की तस्वीरें देख रहे हैं आप, चार रास्ता की, ये सांचौर का चार रास्ता। और ये देखिए ये लोग नजर आ रहे हैं आपको, ये कार्यकर्ता है दोनों नेताओं के। और ये देखिए काफिला बड़ा है, पीछे का काफिला भी हमने दिखाया था आपको लाइव में, तो काफिला बड़ा है। दोनों नेताओं की एंट्री हो चुकी है सांचौर की सीमा में, सांचौर विधानसभा की सीमा में। और सबसे महत्वपूर्ण कि जगह जगह स्वागत हो रहा है, तो कुछ समय लग रहा है चार रास्ता पहुंचने में। और क्योंकि हम लोग आगे थे तो आगे से निकलकर यहां पर पहले पहुंच गए, ताकि यहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकें, चार रास्ता का नजारा दिखा सकें। क्योंकि ये जो ये कहें कि स्वागत का ये मुख्य पॉइंट चार रास्ता, और चार रास्ता की ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है मेरे फेसबुक पेज पर लाइव, और ये दोनों नेताओं के स्वागत के लिए खड़ी है। कमेंट करके जरूर बताएं दोनों नेताओं को क्या फैसला करना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। आप लोग क्या राय रखते हैं दोनों नेताओं को लेकर जरूर बताएं, और कमेंट करके बताएं कि दोनों नेताओं को क्या फैसला लेना चाहिए। आज का माहौल आप लाइव देख रहे हैं, क्या करना चाहिए दोनों नेताओं को, पार्टी के साथ रहना चाहिए या बगावत करनी चाहिए या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए तो किस नेता को लड़ना चाहिए, भारी कौन सा नेता पड़ता है, दानाराम चौधरी या जीवाराम चौधरी, तमाम कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखिए फटाके फूटे जा रहे हैं, फटाकों का मौसम शुरू, ये नजारा ये देखिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एक बार, और दोनों नेताओं का काफी आप। ये सिटी के तरफ की रोड है, मुख्य सड़क, और इस तरफ अपन देखते हैं तो ये है चार रास्ता का मुख्य चौराया। और ये देखिए कमेंट करके जरूर बताएं दोनों नेताओं को क्या फैसला करना चाहिए। आज दोनों नेता जनता को संबोधित करेंगे, दोनों नेता जनता को संबोधित करने वाले हैं। संबोधन होगा कर्मा गार्डन में, यहाँ से रवाना होने के बाद में कर्मा गार्डन पहुंचेंगे काफिला पूरा। ये जो लोग नजर आ रहे हैं वो भी वहां पहुंचेंगे, क्या कुछ कहेंगे ये देखिए। सत पर भी जनता खड़ी है,
देखिए आप, ये जो सत पर है वो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं स्वागत के लिए, दोनों नेताओं के स्वागत के लिए। एक बार फटाफट, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूले और इसे शेयर जरूर कर दें। आप शेयर करिए फटाफट ताकि संख्या बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आज का नजारा भी पहुंचेगा। और क्या कुछ रहेगा, रिएक्शन क्या है, लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है इन दोनों नेताओं को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करें, मैं आपके नाम के साथ कमेंट पढ़ूंगा। फटाफट जुड़ जाइए, कुछ ही देर में काफिला सामने नजर आने लग गया है। कुछ ही देर में, क्योंकि काफिला सामने नजर आने लग गया है तो कुछ ही देर में दोनों नेता चार रास्ता पर पहुंचने वाले हैं। फटाफट इसे शेयर कर दे, मैं सभी के कमेंट भी पढ़ेंगे, रिएक्शन क्या होगा और सबसे बड़ी बात, दोनों नेताओं को क्या करना चाहिए। अब कमलेश राजपुरोहित है, नरनाराम चौधरी है, देवराज चौधरी, चिराग माली है, हितेश कुमार, प्रवीण चौधरी, किशोर कुमार चौधरी, अशोक और भी लोग जुड़ रहे हैं। फटाफट जुड़िए, सबका नाम ले रहा हूं। तो अश्विन परमार, अश्विन जी बताइए क्या राय है आपकी, क्या करना चाहिए दोनों नेताओं को। प्रवीण चौधरी जी आप भी बताओ, हितेश कुमार, चिराग माली बताइए क्या करना चाहिए नेताओं को, दोनों को क्या फैसला करना चाहिए, क्या ऐलान करना चाहिए, आपको क्या लगता है। अभी भी लाइव की संख्या कम है, बढ़ा दीजिए, 2000 के करीब पहुंचा दीजिए फटाफट, 2000 के करीब का लाइव का आंकड़ा पहुंचा दीजिए। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ खास तस्वीरें अभी बाकी है, खास तस्वीरें देखने के लिए इसे शेयर जरूर कर दें। 2000 का आंकड़ा होते ही आपको खास तस्वीरें दिखाते हैं हम। बस काफी लेके वाहन आना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए काफिलों का आना शुरू, काफिले के वाहनों का आना शुरू, और अब कुछ ही देर में चार रास्ता पर एंट्री होगी दोनों नेताओं की, दोनों नेताओं की एक साथ एंट्री, ये पहली बार होने जा रहा है। पहली तस्वीर आप देखेंगे दोनों नेताओं की एक साथ एंट्री, क्योंकि दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 का चुनाव याद कर लीजिए, जब दानाराम चौधरी को टिकट मिली थी और जीवाराम चौधरी निर्दलीय लड़े थे और दोनों को हार का सामना करना पड़ा था, और अब क्योंकि वो पांच साल तक लगातार एक दूसरे के विरोधी रहे, टिकट मांगते रहे, और अब जब टिकट कट चुकी है तो ऐसे में दोनों एक चुके हैं, एक हो चुके हैं, और एक होने के बाद की ये पहली तस्वीर है जब दोनों नेता एक साथ पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक साथ पहुंचने के साथ साथ दोनों नेता एक साथ पहुंचने के साथ साथ स्वागत भी होगा। ऐसी तस्वीरें बहुत कम नजर आती है जब टिकट मांगने वालों की संख्या दो और दोनों एक हो जाए। दोनों एक हो जाएं, बड़ी बात है। तो एक बार आपको बहुत कुछ दिखाएंगे हम आपको, और सबसे बड़ी बात आपको ये भी दिखाएंगे, दोनों नेताओं की जब एंट्री होगी तो निर्दलीय चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन विचार किस नेता के नाम पर किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात किसका ऐलान होने वाला है, गोपनीय से गोपनीयता बात जो आपको सबसे पहले बताएंगे। कोशिश करेंगे चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, इन दोनों नेताओं के ऐलान से जुड़ी हर अपडेट, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों नेताओं का हर अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ये भीड़ है चार रास्ता की, चार रास्ता पर लोग कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में दोनों नेताओं के स्वागत के लिए। और जब स्वागत होगा और उसके बाद ऐलान भी हो सकता है, ऐलान बड़ा होने वाला है विधानसभा चुनाव के लिए। संचोर में जिस तरीके से भाजपा ने टिकट दी और टिकट के बाद घमासान मचा है, उस घमासान के बाद क्या रुख होगा आपको बताएंगे, क्या रुख रहेगा आपको बताएंगे। शेयर करना ना भूले फटाफट, इसे शेयर जरूर करें ताकि आपको कुछ नई जानकारी भी मिल सके। दोस्तों साथियों, लाइव देखिए क्या कुछ नजारा है चार रास्ता का। तो चार रास्ता का नजारा, और पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में दोनों नेता। दोनों नेता कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं।
देखिए ये सांचोर का चार रास्ता मुझे चौराया है और यहाँ पर दानारे में जीवन पर काफी लाख कुछ समय बाद पहुंचने वाला है। बताया कि बांकुरा संसद वहां से ये निकल चुका है, काफी इतना लंबा है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कुछ समय बाद यहाँ से तस्वीरें आप देख पा रहे जीवाराम एवं दानाराम और यहाँ से कर्मा गार्डन है वहां से ये देखी जाएगी और वहां पर ये कार्यकर्ता को संबोधित देख रहे हैं। बेटा गाड़ी आई नहीं है जी, गाड़ी अजय आई नहीं है तो बीमार बेटा। दोस्तों क्या होगा जब दोनों नेता पहुंचेंगे यहां पर, किस तरीके से स्वागत होगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे लाइव। और सबसे बड़ी बात, दोनों नेता एक साथ, बहुत कम तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है जब दोनों नेता एक साथ हो जाएं। लोगों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और काफिले के वाहन हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं, कुछ ही देर में लोग आने वाले हैं। दोनों मंजिलों पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने चाहते नेता को देखने के लिए तब से यहाँ पर टकटकी लगे खड़े हैं, लेकिन अभी कुछ ही मिनटों का समय तो रह गया है, यहाँ पर काफी पहुंचने वाला है। दोस्तों फटाफट इसे शेयर जरूर करें। गुजरात से राजस्थान में प्रवेश एंट्री और उसके बाद में सांचोर की सीमा में एंट्री के बाद वो लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ और अब कुछ ही देर में चार रास्ता पर पहुंचने वाला है। और ये चार रास्ता की तस्वीरें हैं दोस्तों, ये चार रास्ते की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं दोनों नेता, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी। दोनों नेता कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और स्वागत होगा, ये कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं और स्वागत के बाद क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो फटाफट जरूर आप जुड़ जाएं। और क्या कमेंट है सबके नाम भी मैं पढ़ लेता हूं। सौगाराम बिश्नोई जो टिकट दिया उसका नाम अमित शाह है, आपको ध्यान में नहीं हो तो बता देता हूं, ये सौगाराम बिश्नोई का कमेंट है। भूराराम चौधरी जुड़े हुए हैं और जी आर पटेल, गणेश देवासी, दिनेश कुमार, कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं फटाफट कमेंट जरूर करें, मैं आपके नाम के साथ पढ़ रहा हूं। और दिनेश कुमार के साथ में और कौन जुड़ रहे हैं, रेवाराम देवासी जुड़े हुए हैं। रेवाराम जी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं दोनों नेताओं को क्या करना चाहिए। और अशोक देवासी सिवाड़ा जुड़े हुए हैं, अशोक जी वेलकम है आपका, क्या होना चाहिए दोनों नेताओं का रिएक्शन, क्या ऐलान हो सकता है आज बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं क्या रिएक्शन, क्या कुछ हो सकता है दोनों नेताओं के। तो एक बार जुड़ जाइए, मैं और कुछ कमेंट भी दिखाएंगे आपको। आरपी बागली जुड़े हुए हैं जिंदाबाद, अशोक जाट जुड़े हुए हैं, विक्रम जी पटेल आमली जुड़े हुए हैं, भूपेश चौधरी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जुड़े हुए हैं, आरएम चौधरी बागोड़ा और बड़ोदरा, आरएम चौधरी बड़ोदरा वेलकम, पीराराम चौधरी वेलकम, राणा भाई देवासी, जगदीश चौधरी जय हो और तुलसाराम चौधरी, ये तमाम लोग जुड़े हैं, उनके मैं कमेंट भी पढ़ूंगा। कमेंट जरूर करें दोनों नेताओं को क्या करना चाहिए। मिश्रा राम माली, आर एम चौधरी, एस के रमेश देवासी, जय श्री कृष्णा, आर पी बागली वेलकम, क्या करना चाहिए दोनों नेताओं को कमेंट जरूर करें। दिनेश बाबनियान, कृष्णलाल बिश्नोई, अमरेंद्र पटेल, दिनेश कुमार वेलकम, रमेश खोकर, जगदीप चौधरी, आर एम चौधरी, कमेंट करें फटाफट, कमेंट करें दोनों नेताओं को क्या करना चाहिए। दोनों नेताओं की टिकट कट चुकी है, अब दोनों नेताओं को क्या करना चाहिए जरूर कमेंट करके बताएं। जोराराम पटेल हमेशा कमल का साथ दीजिए, भरत पटेल वेलकम, आशु मांजू वेलकम, जालम सिंह चौहान वाली, श्याम पटेल, तो फटाफट जुड़ रहे हैं आप। और गंगागिरी बाड़मेर और उसके साथ में नारायण पटेल, नारायण प्रजापति वेलकम, देवेंद्र पटेल जय हो, लक्ष्मण चौधरी वेलकम, जोईता राम देवासी वेलकम,
जोईता राम जी आप भी बताओ, चेतन पटेल आप भी बताओ, और सिंगर अमृत राय का आप भी बताओ, क्या करना चाहिए दोनों नेताओं को? आपका कमेंट आना चाहिए, फटाफट एक बार कमेंट आ जाए तो जरूर मैं पढ़ूंगा। वेनाराम माली, कालिदास वैष्णव, अमृत राज पुरोहित धुड़वा, जय हो अमृत जी, जय हो, कमेंट करेगा जरूर बताएं अमृत जी, अब दोनों नेताओं को क्या करना चाहिए? और जक्सी भाई चौधरी, मनोहर लाल बिश्नोई, वेलकम मनोहर जी, प्रकाश चौधरी, मनोहर लाल बिश्नोई वेलकम, जगाराम चौधरी, मासिंगा राम चौधरी वेलकम। तो लोग जुड़ रहे हैं, एक बार इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा लोग देख सकें इस नज़ारे को। सतीश देवासी वेलकम, और जितेंद्र राजगुरु राजपुरोहित, प्रवीण बिश्नोई, हेमा गुड़ा, ये देखिए लक्ष्मण चौधरी, सुरेश राजगुरु राजपुरोहित, मदन चौधरी, हिंदूराम देवासी, गेवरचंद जैन, जनक सिंह, हरिकिशन पटेल, भीख सिंह राजपुरोहित, ये यहीं खड़े हैं, प्रकाश सोलंकी, बालाराम डूडी, सुखराम बिश्नोई वेलकम, महेश जाट बीएमआर, और मोहम्मद असलम, भरत कुमार। तो फटाफट जुड़ जाइए, इसे शेयर जरूर करें, आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें, बहुत कुछ चीजें लाइव दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे क्या माहौल है यहाँ का, क्या मिजाज है यहाँ का, और क्या होगा ऐलान, क्या होगा ऐलान, कौन लड़ेगा निर्दलीय चुनाव, और क्या रहेगा माहौल, मिजाज क्या है यहाँ की राजनीति का, यहाँ की राजनीति में इन दोनों नेताओं का क्या अस्तित्व है, और दोनों नेता क्या फैसला करेंगे। दोनों नेताओं के हर फैसले की बात आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। इस भीड़ को लाइव देखने के लिए एक बार इसे शेयर जरूर कर दें, और शेयर करने के बाद में मैं ये भी बता दूंगा कि इन दोनों नेताओं का फैसला क्या होने वाला है, ऐलान क्या होने वाला है। हर किसी को इंतजार है कि दोनों नेता आ रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है, आखिर कारण क्या है, आखिर दोनों नेता क्या करेंगे, ऐसा क्या कदम उठा लेंगे ये दोनों नेता, और ये लोग जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ये दोनों दोनों नेताओं से ये तमाम कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, क्या कार्यकर्ताओं की राय है, और उसके बाद में क्या होगा माहौल टक्कर का। लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, कार्यकर्ता पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, और माहौल भी है बहुत ही जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें लाइव, ये चार रास्ता की तस्वीरें हैं, चार रास्ता की तस्वीरें, जहां पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी, ये दोनों पहुंचने वाले हैं, और इंतजार कर रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता, इन दोनों नेताओं का इंतजार। इन दोनों नेताओं का इंतजार ये जो लोग पहुंचे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं उनसे बातचीत करना, ये लोग चाहते हैं दोनों नेताओं का संबोधन सुनना, और ये लोग चाहते हैं दोनों नेताओं का क्या फैसला होगा ये सुनना। तो आखिर ये फैसला होगा क्या, क्या फैसला होने वाला है? आदेश जाट कमल के साथ रहना चाहिए, दिलीप गोदारा कड़वासरा जय हो, कोकर राम चौधरी, अशोक पुरोहित, अशोक राज पुरोहित, अशोक राज पुरोहित वेलकम वेलकम वेलकम, और उसके साथ ही कौन कौन और जुड़े हैं नाम ले देते हैं। गोपाल जी जुड़े हुए हैं, सही बात है, दो नंबर की जगह तीन नंबर नेता एक हो जाए और बेहतर रहेगा। गोविंद चौधरी, उमाराम देवासी, और वेनाराम प्रजापति धन्यवाद, मेवाराम गोयल, और उसके साथ ही मगेश चौधरी, आदेश जाट, प्रवीण चौधरी, नितिन पटेल, क्या बात है। कुंभाराम चौधरी कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव फाइनल है, कुंभाराम जी का कमेंट आया है, और जाट हीरा राम, ताजेश तारक, तेजेश तारक, और उसके बाद में भावेश कलबी, भोमा राम, एक बार इसे शेयर करके 2000 तक पहुंचा दीजिए फटाफट, आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कुछ और भी।
नेताओं का काफिला पहुंचने वाला है, फटाफट जुट जाइए आप। नेताओं का काफिला पहुंचने वाला है, फटाफट जुट जाइए आप। नेताओं के काफिले की लाइव तस्वीरें देखना न भूलें आप, चूक जाएंगे लाइव तस्वीरें आप, क्योंकि घमासान होने वाला है, बवाल मचने वाला है भाजपा में। इस बवाल की तस्वीरें रिपोर्टिंग सच्ची सिंगर अमृत रायका का मैसेज आया है। ऐसी इसी तरीके से कमेंट को मैं पढ़ता रहूंगा और इसी तरीके से आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। एक बार फटाफट जुड़ जाइए, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या कुछ चल रहा है चार रास्ता पर, क्या नजारा है और नजारे में पहुंचने वाले हैं दोनों नेता जीवाराम चौधरी और धनाराम चौधरी, दोनों नेताओं की तस्वीरें, स्वागत की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी कुछ ही देर में। देखिए ये मुख्य चार रास्ते की तस्वीरें हैं, चार रास्ते की देखिए सामने जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी लोग नजर आ रहे हैं आपको, सामने जो बिल्डिंग है, सामने जो बिल्डिंग है दुकान है उसके ऊपर जो छत है उस पर है। देखिए आप लोग कैसे देख रहे हैं आज के नजारों को देखने के लिए तमाम लोग, क्या कोई भीड़ भी वोट में कन्वर्ट होती है, क्या जो पहुंचे हुए भीड़ में तमाम लोग वोट करते हैं या क्या रहता है? कमेंट होना चाहिए, कमेंट के साथ में आपकी राय होनी चाहिए और राय के साथ में इन दोनों नेताओं का क्या फैसला होना चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका हक है, आप नेता के कार्यकर्ता हैं। ये देखिए भीड़ सामने जा रही है, भीड़ सामने जाते हुए काफिला पहुंच चुका है और भीड़ जा रही है सामने काफिला पहुंच चुका है। देखिए ये लोग आपको सामने जाते हुए नजर आ रहे होंगे, ये देखिए साथियों ढोल की आवाज आनी शुरू हो गई होगी, कार्यकर्ता सामने जा रहे हैं और नजर आपके सामने है। साथियों देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, मैं आपका साथी लूना राम, मैं आपका साथी फुकराज और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। लाइव तस्वीरें दिखाना क्या माहौल और क्या कुछ है आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है तो वाहनों का सिलसिला शुरू है, लोगों की भीड़ ज्यादा है तो जो वाहन चल रहे हैं उन्हें दिक्कत भी आ रही होगी, पुलिस के कर्मी हैं वो तैनात हैं। ये देखिए ऐसे पटाखे, ये देखिए साथियों फटाफट जुड़ जाइए, आपको दोनों नेताओं की एंट्री हो चुकी है और दोनों नेता आ रहे हैं सिटी की ओर जाने वाले हैं, पहले स्वागत होगा और उसके बाद में सिटी की तरफ जाएंगे। साथियों फटाफट जुड़ जाइए और देखिए आप कुछ ही देर में आने वाले हैं, काफिला आ चुका है, कुछ ही देर में दोनों नेता आपको दिखेंगे इस
लाइव में, और दोनों नेताओं को आप देख पाएंगे और दोनों नेताओं का जो स्वागत होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथियों देखिए लोगों की आवाज, वो शोरगुल और इस बीच लोगों में कितना जोश है वो आपको नजर आ रहा होगा। लोगों का जोश आज नजर आ रहा होगा आपको, और पहुंच रहे हैं दोनों नेता जीवाराम चौधरी और धनाराम चौधरी, क्योंकि दोनों एक हो चुके हैं टिकट कटने के बाद दोनों एक, और अब दोनों एक होने के बाद अब दोनों आ रहे हैं। और पहली बार साथियों देखिए फटाफट इसे शेयर जरूर कर दें, शेयर करके लाइव का आंकड़ा बढ़ा दीजिए साथियों। और ये देखिए भीमाराम चौधरी जुड़े लोग, किशोर त्रिवेदी जिसने मैसेज किया है, कमेंट किया है और कमेंट लिखा चौथा मोर्चा, अभी तीसरा मोर्चा तो होना है, चौथा मोर्चे की बारी बाद में आएगी। और उसके बाद में कृष्णा कुमार जुड़े हुए हैं जो तमिलनाडु से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपका लाइव देख रहा हूं। अशोक चौधरी अद्भुत, अशोक जी का कमेंट आया अद्भुत। और उसके बाद में चुनीलाल पोटलिया का जुड़े हुए हैं, जीवा प्रजापति, बीजेपी जिंदाबाद, आरपी बागली, जीवाराम जिंदाबाद, प्रकाश पटेल, इतना एकता थी तो पहले एक होना था, प्रकाश पटेल का कमेंट। और नटराज रणोदार, सुरेश चौधरी, लक्ष्मण पटेल, तमाम लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ में हम आपको लाइव दिखा भी रहे हैं कि क्या चल रहा है सांचौर चार रास्ता का, सांचौर चार रास्ता का हाल दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए साथियों दोनों नेताओं की एंट्री होने वाली है, कार्यकर्ता इंतजार करते करते सूरज ढल चुका है और कार्यकर्ताओं का इंतजार बढ़ता हुआ, कार्यकर्ता कब नेता पहुंचे और स्वागत हो, दोनों नेताओं के स्वागत का इंतजार, और इंतजार ऐसा कि जैसे ही पहुंचे स्वागत हो जाए। 6:45 हो चुके हैं साथियों, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और जैसे ही पहुंचेंगे आपको लाइव तस्वीरों में नजर आएगा जीवाराम चौधरी और धनाराम चौधरी दोनों एक साथ नजर आएंगे, एक ही वाहन में, एक ही गाड़ी में। और ये जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं दोनों नेताओं का स्वागत करेंगे, दोनों नेता एक, एकता का संदेश दोनों नेताओं का आपस में आज। ये एकता कब तक रहेगी, क्या चुनाव में होगा, क्या फैसला होगा, दोनों क्या फैसला लेंगे, क्या ऐलान करेंगे, क्या निर्दलीय कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं, तमाम लोगों के सवाल है। लोग लगातार कमेंट के जरिए पूछ रहे हैं कि क्या फैसला होगा। और जो फैसला आएगा उसका इंतजार सभी को है। ये देखिए साथियों, ये देखिए नजारा आपको, देखिए दोनों तरफ दिखा देते हैं। ये देखिए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं साथियों। साथियों ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं दोनों नेताओं के स्वागत के लिए, दोनों नेता जीवाराम चौधरी और धनाराम चौधरी दोनों नेताओं के स्वागत के लिए पहुंचे हैं ये कार्यकर्ता। तो दोनों नेताओं का स्वागत आपको पता ही है, दोनों नेता कौन, जिनकी टिकट कट गई, दोनों नेता एक हो गए जीवाराम चौधरी और धनाराम चौधरी जो आज आ रहे हैं दोनों नेताओं के स्वागत के लिए। ये तमाम जो कार्यकर्ता ये पहुंचे हैं, स्वागत होगा, भव्य स्वागत, और भव्य स्वागत के बाद में कर्मा गार्डन पहुंचेंगे, संबोधन होगा दोनों नेताओं का। क्या कुछ संबोधन होता है, क्या कुछ रहेगा, क्या कार्यकर्ता सुनना चाह रहे हैं, कार्यकर्ता आज फैसला सुनेंगे दोनों नेताओं का, और दोनों नेता
क्या फैसला लेंगे। हर किसी की नजर इन दोनों नेताओं पर है, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्यों कयास है, सोशल मीडिया पर आपने खुद ने देखा होगा, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा है। लगातार कयास, और इस कयास के बीच में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अब इन दोनों नेताओं का क्या होगा, क्या पार्टी से बगावत करेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे, या पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कौन नेता लड़ेगा, कौन खड़ा होगा, जीवाराम चौधरी और या दानाराम चौधरी, दोनों नेताओं का पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। क्योंकि टिकट कटने के बाद, सांसद देवजी पटेल को टिकट मिलने के बाद, दोनों नेता पहली बार सांचौर आ रहे हैं, पहली बार मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया से सामना होगा और अपनी बात रखेंगे। अब दोनों नेताओं के भावना क्या है, दोनों नेताओं की, दोनों नेताओं के संबोधन में क्या कुछ रहेगा, दोनों नेता क्या कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को, ये पहली बार देखने को मिलेगा। इंतजार बढ़ता हुआ, कार्यकर्ताओं का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, दोनों नेताओं का काफिला आने वाला है। और ये देखिए हाईवे पे, नेशनल हाईवे का नजारा है, ये चार रास्ता का, जहां पर इस तरीके से लोग हैं और हाईवे लगभग जाम की स्थिति में, बड़ी मुश्किल से वाहन चल रहे हैं। साथियों, आपको जो तस्वीरें दिख रही है, मैं जो भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, हिंदी का, आपको कौन सी भाषा पसंद है, किस भाषा में आप सुनना चाह रहे हैं जरूर बताएं साथियों। ओपड़े राजस्थानी भाषा है ले या हिंदी, कई भाषा में तुम्हें होबड़वा चाहो हो कि बे नेताओं रो जो फैसलो है वो कहूं रेला, बे नेता कहूं फैसलो करेला, बे नेताओं रे मन में कहूं है, बे नेता हमें कहूं करेला। साथियों, हर कोई यही समझना चाह रहा है, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि क्या कुछ होगा। साथियों, बड़ी बात और कह देता हूं आपको, बड़ी बात यह है कि दोनों नेताओं के स्वागत के लिए जिस तरीके से लोग पहुंचे हैं, उसके बाद फैसला कुछ भी हो सकता है। जब भीड़ हो तो नेता, आपको पता है भीड़ के पीछे नेता है, और भीड़ देखेंगे तो नेता फैसला अपना बदल सकते हैं। क्या फैसला हो सकता है, आप साथियों अभी से कमेंट करना शुरू कर दें कि आज की भीड़ को देखकर जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी क्या फैसला कर सकते हैं। साथियों, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा। और कौन कौन लाइव जुड़े हुए हैं वो बता देता हूं। आरपी बागली जुड़े हुए हैं, प्रकाश हेमागुड़ा, मंगलाराम देवासी, पटेल पीएस, कौन कौन जुड़े हुए हैं, लगातार मैं सबके नाम लूंगा, सबके कमेंट भी पढ़ूंगा। और साथियों, एक बात और, इन दोनों नेताओं के फैसले को लेकर क्या फैसला रहेगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। साथियों, आपके हिसाब से इन दोनों नेताओं को क्या फैसला करना चाहिए। साथियों, ये नजारा इन दोनों नेताओं, जीवाराम और दानाराम, दोनों नेताओं के स्वागत के लिए, ये देखिए साथियों क्या नजर आ रहा है आपको। साथियों, फटाफट देखिए और बताइए क्या होना चाहिए फैसला, इन दोनों नेता आज क्या फैसला कर सकते हैं। क्या कोई मां पंचायत बुलाएंगे, जानकारी मिल रही है कि कुछ ही दिन बाद, चार से पांच दिन में मां पंचायत का ऐलान होगा, मां पंचायत बुलाई जाएगी। लेकिन उससे पहले आज की भीड़ जो है उसे देखकर नेताओं का क्या रिएक्शन होगा, दोनों नेताओं का, क्योंकि दोनों नेता एक साथ आ रहे हैं, वैसे में रिएक्शन क्या होगा, क्या पहली प्रतिक्रिया होगी टिकट कटने के बाद, और वो कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित करेंगे, और संबोधित करने के बाद दोनों नेताओं की बात को आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे, और कार्यकर्ता क्या सुनना चाह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार कमेंट जरूर करके बताएं क्या होना चाहिए दोनों नेताओं का फैसला। अभी भी लाइव की संख्या कम है, 1000 हुई है, 2000, 3000 पहुंचाइए फटाफट,
और 3000 बाद आपको वो तस्वीरें दिखने वाली है। कुछ ही देर में आने वाले हैं दोनों नेता, क्योंकि अब रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, सूरज ढल चुका है। शाम को 7:52 मतलब 7 बज चुके हैं शाम के 7 बजे, और 7 बजे का मुख्य समाचार यही है कि दोनों नेता जीवाराम और धनाराम, जिनकी एंट्री सांचौर में हो चुकी है, और दोनों नेता कुछ ही देर में 4 रास्ते पर पहुंचने वाले हैं। नरनाराम चौधरी का कमेंट आया है, पब्लिक के आगे टिकट कुछ वक्त नहीं रखता। भरत महेश्वरी, नारायण चौधरी, कमेंट करें आप तमाम लोग, कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए और इस फैसले पर भाजपा में घमासान पर आप क्या सोचते हैं। भाजपा का घमासान, भाजपा में घमासान मच चुका है, टिकट कटनी और टिकट मिलना, और उसके बाद में दो नेता खफा है। जिस नेता को टिकट मिला है उससे दो नेता खफा है, और दोनों नेता है जीवाराम और दानाराम। दोनों नेता लगातार पिछले 5 सालों से दावेदारी कर रहे थे, टिकट कट गई और उसके बाद में दोनों टिकट कटने के बाद एक हो गए, और अब दोनों एक होने के बाद आ रहे हैं। जो 5 साल तक एक नहीं हुए वो टिकट कटने के बाद एक हो गए, और अब दोनों एक एकता के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं। जीवाराम और दानाराम दोनों एक, और उसके बाद में अब 4 रास्ता पर स्वागत होना है, और 4 रास्ता पर स्वागत होगा। आप देखेंगे, ये देखिए लोगों के मोबाइल की लाइटें होने लगी है, नेता का पहुंचने का सिलसिला, और कुछ ही देर में आप देखेंगे, कुछ ही देर, कुछ पल में कार्यकर्ताओं के बीच होंगे नेता। जी हां साथियों, कार्यकर्ताओं के बीच होंगे दोनों नेता, दोनों नेता, इन कार्यकर्ताओं के नेता, इन कार्यकर्ताओं के चहेते नेता, दोनों कार्यकर्ता, दोनों नेता, एक है जीवाराम चौधरी और एक है दानाराम चौधरी, दोनों जो नेता है इन कार्यकर्ताओं के वो पहुंचने वाले हैं। साथियों हमें आप जो लाइव देखो हो या लाइव में आज 4 रास्तारी तस्वीरों है, और 4 रास्तारी तस्वीरों में आज तमाम जो घना मनक थोने देखा है, आ मनक पू गया है स्वागत वास्ते, आ मनक पू गया है बे नेताओं रे स्वागत वास्ते। हासो रो 4 रास्ता रो मुख्य चौराहो है, अन्य या चौराया माते अतरा बाधा जो मनक भेड़ा हुआ है, आ धनाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी रे स्वागत वास्ते हुआ है, बे नेताओं रे स्वागत वास्ते, क्योंकि बे नेताओं री टिकट कटी परी है, अन बे नेताओं री टिकट कटवार बाद में कार्यकर्ता भेड़ा थावा रे हाथे हाथे हमें स्वागत करेला, आप रे नेता रो बे नेताओं रो स्वागत करेला कार्यकर्ता, और बे नेता है जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी, बे नेताओं रे स्वागत वास्ते आज पब्लिक है, आज कार्यकर्ता है, आज 4 रास्ता माते भेड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं लूनाराम और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पर लाइव। आप मेरे फेसबुक पर नए हैं तो जरूर फॉलो करना ना भूलें, और इस लाइव को शेयर जरूर कर दें ताकि ये लाइव ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और आपकी आवाज, आपकी भावना भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस आपकी भावना को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में कंजूसी ना करें, और लगातार शेयर कर दें, शेयर करने से आपकी भावना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। साथियों अब तो मैं भी बोल बोल के थक गया हूं, तो कुछ ही देर में एक बार एंट्री हो जाए, सब लोग स्वागत करें, क्योंकि कार्यकर्ता भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लगातार इंतजार, और दोनों नेताओं की एंट्री हो जाए तो कार्यकर्ता भी राहत की सांस लें, स्वागत करें, और उसके बाद में अपने दोनों नेताओं को सुने। दोनों नेताओं को सुनने के लिए तो ये तमाम जो कार्यकर्ता ये पहुंचे हैं। दोनों नेताओं को सुनने के लिए ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और जब दोनों नेता पहुंचेंगे इन कार्यकर्ताओं के बीच में, तब आप देखिए क्या माहौल होगा। माहौल होगा जीवाराम और दानाराम चौधरी का, और ये कार्यकर्ता सुनेंगे और दोनों नेता संबोधित करेंगे, क्या बातचीत होती है देखिए आप साथियों। साथियों जरूर देखिए, साथियों ये बताइए लाइव लगातार जारी रखें या बंद कर दे, बताइए साथियों, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, हौसला नहीं बढ़ रहा है, लाइव की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो साथियों क्या करें, फटाफट बताइए आपके कमेंट करके।
साथियों, आज नेशनल हाईवे 68 पर जो रोड लाइट है वो बंद है। रोड लाइट बंद होने से तस्वीरें भी थोड़ी आपको साफ दिख नहीं रही होगी। ये जो रोड लाइट है, ये देखिए, मेन जो नेशनल हाईवे 68 पर जो है, मेन चौराहे के आसपास जो लाइटें हैं, ये देखिए, नेशनल हाईवे 68 की पूरी लाइटें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइटें हैं आज बंद है, ये देखिए साथियों, ये लाइटें शुरू होती तो आपको तस्वीरें और भी बेहतर दिखती। हमारी कोशिश है अब तक बेहतर से बेहतर लाइव दिखाने की, बेहतर से बेहतर लाइव तस्वीरें पहुंचाने की। अरे साथियों, फटाफट लाइव जुड़ जाइए। आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें चार रास्ता की, जहां पर कुछ ही देर में दोनों नेता पहुंचेंगे, स्वागत होगा। ये देखिए ऐसी इस तरीके से लाइटें नजर आ रही है, वाहनों का आना शुरू हो चुका है इधर से बाइक की। और ये देखिए, ये जो नेशनल हाईवे 68 के पास का जो रोड है, उधर देखिए आप, लोग उधर से भी आना शुरू हो गए हैं। साथियों, माहौल क्या है बता दीजिए, आप मिजाज बता दीजिए, सांचौर विधानसभा का क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या होगा, कौन खड़ा होगा, जरूर बताएं। साथियों, तस्वीरें नजर आ रही होगी तो तस्वीरें देख लीजिए, और तस्वीरें देखने के बाद बता दीजिए क्या कुछ चल रहा है। यह है चार रास्ता की तस्वीरें, और ये देखिए, ये वाहन आ रहे हैं। साथियों, फटाफट जुड़ जाइए लाइव, आपको दिखा रहे हैं चार रास्ता की तस्वीरें, दोनों नेता पहुंचने वाले हैं, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी। Thank you.
इंतजार की घड़ियां समाप्त। कार्यकर्ताओं की जो इंतजार था, कार्यकर्ता जो इंतजार कर रहे थे उनकी घड़ियां, दर्शकों इंतजार की घड़ियां समाप्त, इन कार्यकर्ताओं के इंतजार की घड़ियां भी समाप्त और नेताओं की एंट्री, दोनों नेता जो कार्यकर्ताओं का इंतजार था वो खत्म हो चुका है, कार्यकर्ताओं का इंतजार अब खत्म और दोनों नेताओं की एंट्री। दोनों नेताओं का काफिला पहुंच चुका है साथियों, आप तस्वीरों में लाइव देख पा रहे होंगे, दोनों नेताओं का काफिला पहुंच चुका है, दोनों नेताओं का काफिला पहुंच चुका है एंट्री, दोनों नेताओं की एंट्री अब होने वाली है। और ये देखिए साथियों, आप देख पा रहे होंगे डीजे आ चुका है, काफिला आ चुका है, काफिले के वाहन आ चुके हैं। और ये देखिए साथियों, आप देखते रहिए लाइव, साथियों काफिला आ चुका है, साथियों काफिला आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे काफिले की एंट्री हो चुकी है और अब काफिले की एंट्री के बाद में दोनों नेता नजर आएंगे। अब आपको ये जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं ये स्वागत करेंगे और ये स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। गुजरात में नैनावा मंडी से लेकर चार रास्ता तक लगातार लोग इसी तरीके से नजर आए और स्वागत करते नजर आए। साथियों जो मिजाज है, जो माहौल है वो आप लाइव देख पा रहे हैं। दोनों नेता एक हो चुके हैं साथियों और दोनों नेता एक होने के बाद ये एंट्री हो रही है, काफिले की एंट्री हो चुकी है, काफिले के वाहन देखिए इस तरीके से आ रहे हैं साथियों, काफिले के वाहन आपको नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए पीछे भीड़ की भीड़ नजर आ रही है, पीछे भीड़ की भीड़ और आगे इसी तरीके का माहौल, मिजाज, और इस मिजाज को जानना होगा, समझना होगा। साथियों देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चार रास्ता की ये तस्वीरें हैं और इन दोनों नेताओं को क्या फैसला करना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं कि दोनों नेताओं को अब क्या करना चाहिए, दोनों नेताओं का क्या फैसला होना चाहिए। Thank you.
यही मिजाज है राजनीति का। टिकट कटने के बाद में बीजेपी में घमासान, भाजपा में घमासान, बवाल मचा हुआ है और बवाल के दौरान की तस्वीरें हैं। आज दोनों नेता एक होकर, जीवाराम चौधरी और धनाराम चौधरी एक होकर आ रहे हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है, दोनों नेताओं की एंट्री होनी है, दोनों नेताओं का स्वागत होगा और दोनों नेता क्या बोलेंगे, क्या संबोधन देंगे दोनों नेता, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, डीजे का साउंड आप सुन पा रहे होंगे और लोग नजर आ रहे होंगे आपको। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार डीजे का साउंड। और इसी के बीच ये भीड़ साथियों इंतजार, और ये देखिए काफिला, साथियों काफिले की एंट्री। एंट्री हो चुकी है, साथियों दोनों नेताओं की एंट्री हो चुकी है, दोनों नेताओं की एंट्री। देखिए साथियों, साथियों दोनों नेताओं की एंट्री। दोनों नेताओं की एंट्री हो चुकी है साथियों, नेताओं की एंट्री हो चुकी है। दोनों नेताओं की एंट्री, साथियों दोनों नेताओं की एंट्री। दोनों नेताओं की एंट्री हो चुकी है साथियों,
देखिए साथियों, काफिला जा रहा है। शहर की तरफ बढ़ना काफिला शुरू हो चुका है, सांचौर शहर की तरफ। ये देखिए साथियों, देर कोई मोह भेजो हाथ।